ना पसंद आएगा तभी पैसा लिया जाएगा, ना पसंद आने पे कोई पैसा नहीं, खाओ और जाओ। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ कितने किलोमीटर दूर आए हैं कुलचा खाने के लिए? थोड़ा मेरे घर के पास ही है ये। अच्छा, रोज आते हैं या कभी कभी? पहली बार यहाँ पर आए। कौन लेके आया आपको? मेरी दोस्त। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा स्वाद? बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत ही है, नींबू है, सारे सभी टाइप के मसाले भी हैं। और हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीडियोस के साथ। मैं हूँ अभी इस समय उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर के छोटे बड़ाओ पुलिस चौकी के थोड़ा सा पीछे हूँ और ठंडी सड़क और नैनीताल रोड के बीच में हूँ। तो आज यहाँ की जो वीडियो है वो होने वाले खाने से रिलेटेड। यहाँ पर जो भी छोटे मोटे ठेले हैं और कुलचे उग रहे हैं, जूसेज उग रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर फेमस है ये एरिया में, तिकोनिया एरिया में, हल्द्वानी में, सारा कुछ बताएंगे आपको। यहाँ पर मैंने सुना है कि कुलचे काफ़ी फेमस है और दाल भात छोले भटूरे भी काफ़ी फेमस है। सारे रेट हम आपको बताएंगे। अगर आप खाने के शौकीन हो, अगर आप होटल में रेस्टोरेंट में अगर नहीं जाना चाहते हो, सस्ते रेट में अगर आप यहाँ खाना खाना चाहते हो तिकोनिया एरिया के अंदर या हल्द्वानी शहर के अंदर, तो वो जगह मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और सारे रेट भी पता करेंगे और क्या क्या अवेलेबल है सारा कुछ बताएंगे। तो खाने के शौकीन ये वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना, पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। अगर वीडियो उसमें नए हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन घंटी के ऑल पे प्रेस करना है। चलते हैं खाने की ओर, दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। ताज़ा कितने का दे रहा जूस? 20 रुपये गिलास। 20 रुपये गिलास जूस दे रहे हैं और पहाड़ी नींबू डाल के एकदम ग्लास एकदम डिस्पोजल है, उसमें यहाँ पर जूस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ये छोले भटूरे देते हैं, जरा इनसे जानेंगे क्या क्या यहाँ पर बेचे। नमस्कार भैया, क्या नाम सर आपका? सर कब से लगा रहे हैं ठिया? 12 साल हो गए। तो यहाँ पर आप क्या क्या बेचते हो, क्या फेमस है आपका ठिये पे? राजमा चावल, छोले भटूरे। अच्छा अच्छा, कढ़ी चावल। राजमा चावल कैसे देते हो आप? 20 का फुल, 50 का। 50 का फुल, 20 का हाफ, 30 का हाफ। छोले भटूरे? छोले भटूरे 50 रुपये। ये देखिए छोले भटूरे भी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं ताज़ा ताज़ा। और जरा यहाँ का वो भी पूछ लेते हैं कि कैसा टेस्टी बना रहे हैं। नमस्कार भैया, कैसा बना रहे हैं? टेस्ट है, कब से खा रहे हैं आप यहाँ? टेस्ट अच्छा है। तो और यहाँ पर देखे ये पूरिया उग रहा है, कैसे सर टेस्ट कैसा है? अच्छा टेस्ट। पहले से खा रहे हैं या पहली बार आ रहे हैं आप? अच्छा पहली बार आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट कर रहे हैं। कैसा है सर टेस्ट छोले चावल का? बढ़िया। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, प्याज उगरा, चटनी उगरा, सब कुछ यहाँ पर दे रहे हैं। पानी है, बैठने की सुविधा भी है यहाँ पर। और फिर आगे को चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर और क्या है यहाँ पर। ये ना पसंद आने पर कोई पैसा नहीं। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है आपसे, ग्राहकों से क्या कहेंगे आप, मतलब क्या फैसिलिटी है? ना पसंद आएगा तभी पैसा लिया जाएगा, ना पसंद आने पर कोई पैसा नहीं, खाओ और जाओ। अच्छा, आप मना कर दोगे दोबारा आपसे नहीं पूछा जाएगा क्यों नहीं पसंद आया, दोबारा नहीं पूछा जाएगा, खाओ और जाओ। अच्छा अच्छा, आपने खाए सर कभी यार? नहीं खाए। ये कह रहे हैं कि अगर स्वाद पसंद नहीं आया तो बिल्कुल पैसे नहीं लेंगे वो, इससे बड़ा दिल और क्या हो सकता है? हल्द्वानी में कहीं है ऐसा नहीं है ना, खा के कोई बोलता है यार अच्छा नहीं लग रहा है? पास भाई इनाम भी अगर किसी ने लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, पसंद आने पर पैसा लिया जाएगा, ना पसंद आने पर कोई पैसा नहीं। देखो गाइस, अगर आपको खाना पसंद नहीं आ रहा है ना तो भाई बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे। हल्द्वानी के अंदर पहला ठिया मैंने ऐसा देखा जहाँ पर इस तरीके से बोर्ड लगा हुआ है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, लोकेशन आपको यहाँ दिखा रहे हैं। बाहर आपको यहाँ पर जूस वूस की दुकान भी मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा सस्ते रेट में यहाँ पर जूस चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। भाई बेच रहे हैं यहाँ पर मौसम्बी का जूस, कैसे होता है? कितने रुपये गिलास दे रहे हो मौसम्बी? 50 रुपये। और अनार का? अच्छा, किस में, इसी में बनाते हो? अच्छा, क्या चल रहा है फिर दुकान? कितने बजे खोल लेते हो? 10 बजे सुबह खोलो, शाम को? हाँ, तो गाइज अगर आपको यहाँ पर जूस वगैरह पीना है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब बम्बई चौपाटी के मशहूर छोले वाले बुला रहे हैं, जरा वहाँ भी देखेंगे। एक बगल में यहाँ पर है कुलचे वाले और एक और भी है बम्बई के चौपाटी के मशहूर कुलचे, जरा इनको जानेंगे कि असली में ये बम्बई वाले हैं या फिर यहाँ लोकल के ही हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार, कहाँ ये बम्बई वाले कुलचे यहाँ बेच रहे हो? बम्बई में कुलचे कहाँ बिकते हैं? जुहू चौपाटी में वड़ा पाव बिकता है, पाव भाजी बिकता है, साइड में छोले कुलचा भी बिकता है भैया। अच्छा अच्छा, तो आप मुंबई का स्वाद लेंगे यहाँ ग्राहकों को? खाके देखिए सर। अच्छा, खाके क्या देखना है, पहले देख लो, खाके तो पेट में चला जाएगा ना। तो जरा इनसे जानते हैं, इनका ये शुद्ध देसी घी से 19 आइटम से तैयार फ्रूट चाट है, मुरादाबादी दाल है। अभी मैं खाऊंगा तो नहीं, मैं खाली इनसे पूछूंगा, तो इनका सेटअप भी जरा देख लेते हैं हम लोग। ये क्या चीज है सर? ये छोले बने हुए हैं, छोले। ये बाउजी का 32 प्रकार का मसाला, ये इमली का पानी है सर। अच्छा, और ये हरी चटनी? ये हरी चटनी एकदम लबालब। अच्छा,
अच्छा, कै रुपए प्लेट देते हो आप छोले कुलचे? 40 रुपए। कितने लोग काम करते हो इस ठेले में आप? 4 लोग काम करते हैं। 4 लोगों का परिवार पल जाता है इसमें? अच्छा, ये मिर्ची तो सब खप जाती है? ये देखो पूरा भर के रखा है, आप यहाँ पर स्वाद ले सकते हैं कुलचे का। कुलचा कै रुपए प्लेट देते हो आप? 40 रुपए। 40 रुपए के कितने कुलचे आएंगे? 2 कुलचे। अच्छा, और काम क्या चल रहा है फिर? तो आपके यहाँ भी ऐसा ही है कि मतलब स्वाद नहीं आया तो पैसा वापिस? नहीं सर, पैसा देना पड़ेगा। देना पड़ेगा सामने तो ऐसे ही है ना सर। उनका फ्रीका आ रहा है तब? फ्रीका कहाँ से आ रहा है? क्या पता कहाँ से आ रहा है, हम फ्रीका क्यों खिलाएंगे? अच्छा, नहीं नहीं स्वाद नहीं आने पे बात फिर वाला थोड़ी सर, स्वाद आने पर पैसे। अच्छा अच्छा, ये कुलचे कुलचे कहाँ से लाते हो आप? हल्द्वानी लोकल से? हाँ बिल्कुल, कुलचे के एकदम क्वालिटी है, फ्रेश ताज़ा कुलचा यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। कुलचे खाइए सर, कुलचे वहाँ पर फ्री है, अगर स्वाद नहीं आया तो, और यहाँ पर स्वाद भी आया ना आया तो पैसे। चलो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी गाइज अगर ये वीडियो देख रहे हैं हल्द्वानी से, अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यहाँ पर एक बार जरूर यहाँ पर खाने का जायका लीजिए। और जरा यहाँ को दिखा देते हैं, और यहाँ पर थोड़े से ग्राहक आ गए हैं यहाँ पर, अभी ये बन इनको बनाते हुए दिखाएंगे हम लोग क्या बना रहे हैं। ये ऑर्डर आ गया ना, ये देखो इस तरह से छोले बना रहे हैं। चटनी डाल दिया इन्होंने इसमें, ये क्या डाल दिया? धनिया ये डाल दिया इन्होंने, गाजर और बीटरूट, ये देखो इसमें अनार भी डाल दिया है, चम्मच डाल दिया, अगर कोई मिर्ची खाने के शौकीन है तो मिर्ची भी ये डालेंगे। देखिए गाइस, हाथ तुम हाथ बना रहे हैं एकदम फ्रेश एकदम ताजा। सबसे महंगी पसंद आने पे पैसा दिया जाता है यहाँ, नहीं पसंद आए मना कर दो। अगर स्वाद पसंद नहीं आया तो पैसा नहीं ले रहे हैं। जितना मर्जी खाना खाओ और बोलो अच्छा नहीं लगा, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो ये सेक रहे हैं कुलचे, ये देखो अच्छा। देखो क्या क्या मसाला डाल रहे हैं, देखो सारे मसाले यहाँ पर डालेंगे। ये क्या चीज़ है? अमसूर, अमसूर पाउडर। ये है देसी घी, अब बनेगा भाई तगड़ा वाला छोला। और यहाँ पर लोग तैयार है एकदम खाने के लिए, एकदम देख रहे हो, बटर लगा दिया भाई ने। देखो धनिया भी पड़ रहा है, सब आइटम डाल रहे हैं भाई। ऐसा सेटअप हल्द्वानी में लगभग कहीं मिलेगा नहीं। कैसा लगा सर कुलचा? भाई कुलचा खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं सर आप यहाँ पर? मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो यहाँ दिन में छोला कुलचा ही खाता हूँ। जो खाने के शौकीन है हल्द्वानी की जनता को क्या कहेंगे आप? बहुत ही टेस्टी छोला कुलचा है, स्पाइसी खाना है वैसे भी मिल जाएगा आपको, और अगर नॉर्मल भी खाना है तो मिर्ची कम कर देते हैं, लेकिन छोलों का स्वाद लाजवाब लाजवाब फेमस है मेरे हिसाब से। आप फेमस का मैं नहीं जानता, ये एरिया का तो फेमस ही लग रहा है। मैं तो यहाँ खाता हूँ, जब भी आता हूँ तो इनके वहाँ 10-15 लोग 20 लोग ऐसे। चलो ठीक, फीडबैक भी आपने देख लिया होगा, बहुत अच्छा फीडबैक है, और लोगों से भी जानेंगे यहाँ का फीडबैक कैसा है। बन के तैयार हो गया है, अब ये परोसेंगे यहीं पर, बैठने की सुविधा भी है, इनके सलाद वगैरह सारा कुछ दे रहे हैं ये भाई। 50 रुपये में और क्या ले लोगे आप? ये देखो भाई, अगर कोई मिर्ची हो के ना भाई, मिर्ची भी दे रहे हैं, चिली। अच्छा फ्रूट भी फ्री खिलाते हो? क्यों फ्री क्यों? मोदी की तरफ से। अच्छा मोदी जी की तरफ से फ्रूट फ्री है? अंगूर खाओ या फिर केले खाओ या फिर पपीता खरबूज। अच्छा बड़ा मिर्च लगे यार, कुछ भी खा सकते हो। अच्छा मिर्च लगी तो पहले मिर्ची वाली लेंगे ही क्यों ना, जो मिर्च नहीं खाता है। देखो भाई चटपटा कौन खाएगा बेटा? चटपटा सब चटपटा खा रहे हैं भाई, चटपटा मिर्ची के। इंडिया में ना मसाले बहुत खाए जाते हैं, स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सिर्फ गुजरात को छोड़ के। गुजरात में ना मीठा पसंद है, बाकी पूरे भारत वर्ष में लगभग स्पाइसी मसालेदार खाना खाया जाता है। ये देखो चटपटा यहाँ परोसा गया है, इनसे अभी पहले खाने दो फिर फीडबैक लेते हैं कैसा है।
देखो चार प्लेट का ऑर्डर एक साथ है, 50 रुपये प्लेट है। ऐसा नहीं कि कमाई नहीं है, कमाई भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं माल, ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ पर आइटम डाल लेना उस हिसाब से ना 50 रुपये कोई बुराई नहीं है भैया। खाने के शौकीन ना जरूर विजिट करना कृष्णा हॉस्पिटल के सामने, यहाँ इनका ये ठेला लगा रहता है, ये सामने कृष्णा हॉस्पिटल है, नैनीताल रोड से थोड़ा सा इधर को आएंगे तो वहीं पर है। ये देखो सब एकदम लाइव काट रहे हैं, कोई कंजूसी नहीं है भाई, खाने में कोई कंजूसी नहीं है, कोई भी मसाले में कंजूसी नहीं है, बिल्कुल तगड़ा डालेंगे। पूछते हैं कितने प्लेट ऑर्डर है उनका, चार प्लेट, दो तो सही भी है फटाफट। ये देखो भाई, ये है भाई नज़ारे, कितना मस्त लग रहा है यार, स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, मगर मैं स्पाइसी खाता नहीं हूँ। तो जरा यहाँ पर जरा पूछते हैं जायका कैसा था, कैसा लगा सर छोले, मजा आ गया? पहली बार खा रहे हो या खाते रहते हो? स्पाइसी है या फिर ठीक है? मैं तो स्पाइसी फूड बोल रहा हूं। अच्छा अच्छा स्पाइसी फूड पसंद है आपको, तो जिस हिसाब से पैसे है तो बढ़िया है, जाएगा एकदम पकड़ आप। चलो ठीक है, तो जरा इनसे भी पूछते हैं, देखो ये स्पाइसी कैसा लग रहा है स्वाद? बढ़िया। पहली बार खा रहे हो या पहले भी खा चुके आप? फर्स्ट टाइम खा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मैं सेकंड टाइम खा रही हूं। अच्छा अच्छा, तो और लोगों को भी लेके आएंगे? हां मैं आई हूं, फर्स्ट टाइम, उसके बाद ही मैं लोगों को लेके। आप खाने के शौकीन हैं या फिर ऐसे कुलचे खा रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो हल्द्वानी की जनता को क्या कहेंगे अगर कोई खाने के शौकीन हो तो? अच्छा, 50 रुपये में और क्या ले लोगे लगा लो? इन्होंने एक बोर्ड भी लगाया कि अगर स्वाद पसंद नहीं आया तो फ्री। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि फ्री खाया आपने स्वाद अच्छा नहीं लगा? ऐसा नौमत ही नहीं आई? चलो ठीक है, चलो हल्द्वानी की जनता जो भी वीडियो देख रहे हैं जरूर यहाँ पर आइए, जायका लीजिए, फीडबैक बहुत अच्छा है, मैडम ने भी अच्छा फीडबैक दिया और ये भी खा रहे हैं, इनका भी फीडबैक जानेंगे जरा। ये देखो इनको खाने दो फिर पूछते हैं इनसे। तो अभी मैंने सारा कुछ यहाँ पर बताया और यहाँ पर नैपकिन सारा कुछ यहाँ पर आपको पैकिंग भी हो जाएगा, अगर आपको पैकिंग में ले जाना है ना, पैकिंग के लिए भी आपको, ऐसा नहीं है कि खाली पन्नी में दे रहे हैं भाई, पूरा कंटेनर वगैरह के सिल्वर के साथ यहाँ पर ये पैक करेंगे। तो यहाँ पर ना चटपटा ज्यादा मांग रहे हैं, तो इसलिए लोगों ने ना पूरा भर भर के ना मतलब मिर्ची भून के रखी है यहाँ पर, ताकि ना ग्राहक बिल्कुल नाराज ना हो और उनको एकदम अच्छा मिल जाए। ये लो बेटा, मैम कैसा है स्वाद? बहुत टेस्टी है। मजा आ रहा है कि नहीं? पहली बार खा रहे हैं या पहले भी खा चुके हो? अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कहेंगे हल्द्वानी की जनता को, क्या कहेंगे? छोले कुलचे अगर फेमस खाने हैं तो यहीं आ जाओ। चलो कुलचा कहाँ रेस्टोरेंट में मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। स्वाद प्लस बेबर दोनों अच्छा होना चाहिए। चलो ठीक है, देखो मैडम ने नीचे ही बैठ गए हैं, अब मैडम ने अभी खाया नहीं है, अभी मैडम जब खाएंगे तभी पूछेंगे इनसे। तो गाइस यहाँ पर जरूर आप विजिट करना, ये देखो इनका जो ठेला है, देखो इनकी फोटो भी लगी हुए। मैम नमस्कार, क्या नाम आपका? निकिता गौनिया। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ हल्द्वानी। तो आप यहाँ कितने किलोमीटर दूर आए हैं कुलचा खाने के लिए? थोड़ा मेरे घर के पास ही है। अच्छा, रोज आते हैं या कभी कभी? पहली बार यहाँ पर आए। कौन लेके आया आपको? मेरी दोस्त। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा स्वाद? बहुत टेस्टी हो रहा, बहुत ही अच्छा है। क्या क्या डाला है इसमें? उसमें अनार भी डाला है इन्होंने, छोले हैं, बीट रूट भी है, गाजर भी है, धनिया पाउडर है, नींबू है, सारे सभी टाइप के मसाले भी हैं, और साथ में उन्होंने हमें मतलब क्या कहते हैं वो भी दिया है, चुकंदर भी दिया है, खीरा भी दिया है और मूली भी दी है। बटर भी दिया मगर वो घुल गया, दिख नहीं रहा है। हाँ, बटर भी दिया। तो कैसा है स्वाद, कैसा है? बहुत टेस्टी है। मजा आया कि नहीं आया? 50 रुपए में और क्या ले लोगे? मैं
सही बात। क्या कहना चाहेंगे हल्द्वानी की जनता को? जरूर यहाँ पे आइए और खाइए और ट्राई करिए, आपको बहुत मजा आएगा। ये हमारी जनता। अच्छा, ये एरिया में लगभग ऐसा स्वाद कहीं नहीं है, पूरी हल्द्वानी में लगभग नहीं है शायद। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आंटी कैसा लग रहा है स्वाद? पहली बार खा रहे हो या खाते रहते हो? अच्छा अच्छा, देखो आंटी भी खा रहे हैं, आप मिर्ची के बहुत शौकीन है शायद। चलो ठीक है। तो गाइज मैंने यहाँ पर सारा कुछ पूछा और लोगों ने फीडबैक। तो गाइज अभी वीडियो समाप्त करते हैं। यहाँ पर छोले कुलचे के शौकीन हो या कोई भी चीज़ खाने के शौकीन हो, आप यहाँ पर आ सकते हैं कृष्णा हॉस्पिटल के यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना, चैनल में आप कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए हल्द्वानी के जो छोले कुलचे वाले भाई हैं वहाँ से बाय बाय करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।